तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज है 8 जनवरी और हम आज यहाँ हॉट एयर बैलून जहाँ से जाते हैं हम वहाँ आए हुए हैं। और यहाँ का जो इसका चार्ज है वो 15,000 रुपये पर व्यक्ति है। तो यहाँ से 3,000 फीट की ऊंचाई तक लेके जाते हैं आपको मांडू के भ्रमण करा के, वो लोग वापस अपने जो भी व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं उनमें सुरक्षित लेके आते हैं। इनके साथ GPS चलता है और GPS से नीचे जो उनके साथ के लोग हैं वो लोग पता लगाते रहते हैं कहाँ पे हैं और एक फ्लैट जगह देख के वहाँ उतरते हैं। तो एक तरह से एक अद्भुत अलौकिक अनुभव होता है। हालांकि हमने इसका राइड नहीं किया, हमारे एक मित्र हैं दिव्या पटवा, वो ज़रूर राइड करके आई हैं और हम लोग सुबह ज़रूर देखने गए थे ये, तो हमने देख के ही आनंद लिया। और ये 3 यहाँ से जाते हैं और ये लगभग ये 45 मिनट का सफ़र होता है बाय एयर, और उसके बाद आने की प्रक्रिया है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक बैलून ऊपर जाने के इसमें है, 2 जा चुके हैं। तो इस तरह के जो भी अनुभव हैं आप मांडू में आकर ले सकते हैं। और जो फानूस कहा जाता है, जिस जो शायद उत्तरायण के समय में ये चीज़ें उड़ाया जाता है, उसी तरीके से ये गर्म हवा के प्रवाह से ये बैलून हवा में उड़ते हैं। और इसमें भी जो इसको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने का एक वो होता है जिससे डायरेक्शन चेंज होते हैं। अब वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है मुझे नहीं पता, परंतु ये होता ज़रूर है। और इसका एक अलग अनुभव तो ज़रूर कभी ना कभी लेना चाहिए। तो यहाँ पूर्वी अपना फ़ोटो सेशन कराते हुए, और ये मॉर्निंग में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको देखने का आनंद लेना है तो बिल्कुल सुबह 5 बजे उठ के जब सनराइज़ वाला सीन होता है तभी जाना चाहिए। और ये सूरज उगने से पहले ही ये हॉट एयर बैलून आसमान में जा चुके हैं और हम लोग सभी सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक अलग आनंद है, विजुअल इसका बहुत आनंद आता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब सो के उठते हैं तब तक सूरज चढ़ चुका होता है। तो ये चीज़ें अलौकिक ही हो गई हैं अब कि हम इस तरह के अनुभवों को अपने कैमरे में कैद करना। तो यही है गांव में व ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे आकर जब मॉर्निंग में हम लोग प्लान करते हैं कुछ चीज़ें, तो बहुत अच्छे से एक अलग अनुभव हमें देखने जानने सुनने को मिलता है। तो इन्हीं अनुभवों को मैंने अपने ब्लॉग में कैद करने का प्रयत्न किया है। यहाँ ज़रा हम सेल्फ़ी ले लें बैलून के साथ ताकि हम उस चीज़ को अपने ब्लॉग में डाल सकें। और साथ ही साथ जैसे ही हम आगे बढ़े हमें वहाँ लोग फ़िशिंग करते हुए दिखे और हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तो हम लोग बस फ़िशिंग के वहाँ पे, क्योंकि बीच में बहुत सारा कीचड़ है और बड़े बड़े पत्थर हैं, तो थोड़ा करीब जाके हम लोगों ने ज़रूर ये देखा और उसका आनंद लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा देखने को नहीं मिलती हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नर्मदा, माँ नर्मदा की परिक्रमा में लोग दूर दूर से आते हैं और ऐसे ही चल के जाते हैं पूरा, वो अमरकंटक से जहाँ से ज्वाइन करना हो ऐसे करते हैं और ये परिक्रमा करते हुए गुजरात के खाड़ी तक वो परिक्रमा करते हैं वापस। इसका पूरा रूट मैप बना हुआ रहता है। पीछे ये राम मंदिर है और यहाँ सुबह सुबह हमने लकी जायसवाल, महिमा, छवि और पूर्वी और अनुप कहाँ है भाई, वो रहा। तो अनुप ने बहुत बढ़िया नाश्ता करवाया सुबह से, ये पोहा, वाह यार मज़ा आ गया। तो आप अगर मांडू में आए तो यहाँ के पोहे और चाय आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ, स्पेशल मिर्ची पकौड़े खा के तो मेरे नाक से धुआं निकल गया। ये मॉन्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ सुबह सुबह हम यहाँ से चाय, नाश्ता, पोहा खा के बस एक चक्कर लगाने आ गए। अभी हैं यहाँ अशरफी महल में, पीछे आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर, ये अशरफी महल है। पीछे का एक आप और देख सकते हैं जहाँ कल हम शाम को वहाँ उसके जस्ट साइड में सारे कंसर्ट हो रहे थे,
अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं यहाँ खूबसूरत वाइट मार्बल से बना हुआ ये स्ट्रक्चर, और आप कह सकते हैं आप मांडू में हैं। तो यहाँ पर एक खूबसूरत माहौल, वाओ, एक्स्ट्रा लाइट दांत दिखाएं। अरे होटल, और यहाँ विकास तो रेडी है। हेलो एवरीवन, और हरिओम भी रेडी है, बस मैं अकेला ही पैराशूट क्या हॉट एयर बैलून देखने के चक्कर में मैं अकेला ही एक्स्ट्रा सजा है हम लोग को सुला के भाई साहब अकेले के लिए घूम के आप देखिएगा इससे पहले वीडियो। एंड प्लीज गोविंद को बोलिएगा अपने रूम पार्टनर को भरपूर सहयोग करें। बिल्कुल इसका सारा श्रेय हम अनूप को देते हैं। यस, सारा क्रेडिट जाता है, सारा क्रेडिट अनूप को जाता है। चल रहा है क्रिकेट, और ये 56 महल दूर से एक शॉर्टकट रोड मैंने ढूंढ निकाला है जो 56 महल के जस्ट बाजू से ही निकलता है, तो मेरे ख्याल से हमें उतना वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम वॉक करके आते हैं तो। यहाँ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। Yes. बहुत बढ़िया। दो भाई, हम दो भाई बोलो कुछ आगे। हम दो भाई यहाँ मांडू फेस्टिवल में म्यूजियम की छत पे परफॉर्मेंस देख रहे थे, और अभी हम निधि के पास जरा घूम के आए। परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत आंटी, तो मेरे आप लोग सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। वापस जा रहे हैं 56 महल, और निधि का भी परफॉर्मेंस है वो भी हम थोड़ा शूट करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग बस एंजॉय कीजिए। विकास हमारे साथ है, महिमा दौड़ रही है जाने के लिए, फड़फड़ा रही है। तो यहाँ ब्रिजमोहन सर अपना डेमोस्ट्रेशन देते हुए, आप लोग बस आनंद ले सर के काम का। यहाँ इंदौर कॉलेज के बच्चे, धार कॉलेज के बच्चे आए हुए हैं, और वो सभी सर का डेमोंस्ट्रेशन देख रहे हैं। ठीक है तो एक डेमोंस्ट्रेशन देखना एक अलग तरह का अनुभव है जो मेरे ख्याल से जब बच्चे काम करते हैं तो उसका एक लेयर वाइज कैसे काम होता है वो चीज़ें उनको पता चलती हैं, और किस तरीके से कहाँ स्ट्रोक्स रखते हैं, कहाँ स्पेस का ध्यान देते हैं, उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ मेरे काम को देखते हुए कुछ कॉलेज के बच्चे, तो इस तरह के छोटे छोटे फुटेजेस के साथ हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ब्रिजमोहन सर के काम में लास्ट फिनिशिंग टच वो दे रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, सर ज़रूर आपका इस बातचीत का जवाब देंगे, या कोई भी प्रश्न हो। आ गया, इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे लगता है कि ये ट्रांसपेरेंसी जो है यही कमाल है, और अगर हम आगे की ओर जाएं तो इस साइड इस तरीके से ये है, आप देख सकते हैं हिरन का एक शेप दिख रहा है, और इसको अब अगर बारीकी से ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, हाउस हैं, तालाब है, या मांडू के जो बोल सकते हैं खुरासनी पेड़ के स्पॉट्स हैं बड़े बड़े, और इसको भी आप बोल सकते हैं पेड़ बड़े बड़े, तो इस तरह के तीन काम मेरे यहाँ डिस्प्ले हैं। और एक जो कल आप लोगों ने देखा वो
काम, ये पैटर्न है और इस तरीके से ये डिस्प्ले यहाँ पूरा होता है। तो वो पाप लोगों को और ये केक कटिंग अनुप का बर्थडे है आज 9 जनवरी। ये बर्थडे बॉय केक अभी लाके सबको खिला दो लो बाबू। ओ बाबू ये खिला दो जरा आप कैमरे में, ये सब खा लो भाई।